हे एवरीवन, मैं प्रियंका। तो आज हम इस वीडियो में बनाएंगे क्रोचेट बेबी बूटीज़। ये बूटी हम 0 to 3 month बेबी के लिए बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारी बूटी इस तरह से दिख रही है। ये देखिए आप, इसको मैंने इसमें दो कलर से बनाई है, तो आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हो। ये देखिए हमारी बूटी दिख रही है, और इसको मैंने डेकोरेट किया है ये बो से। तो इस बूटी को हम बनाना यहाँ से शुरू करते हैं, इसके बाद में हम ये वाला पोर्शन बनाते हुए जाते हैं। तो फिर चलिए हम अपनी बेबी बूटी बनाना शुरू करते हैं। सोल बनाएंगे। तो सोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए ब्लू कलर से बनाया है, तो हम इस ब्लू कलर से इसका सोल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे, देखिए इस तरह से। ये देखिए, तो अब हम बनाएंगे चेन 13। देखिए 1, 2, 12, 13। तो देखिए हमने यहाँ पर चेन 13 बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि 1, 2, 3 इन तीन चेन्स को छोड़ेंगे, और फोर्थ चेन ये जो दिख रहा है इससे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए एक यार्न ओवर किया इस तरह से, और ये देखिए एक इस तरह से। तो हम यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए एक दो, अगेन एक यार्न ओवर ये किया, फिर इसी चेन में फिर से जाइए, वापस से आइए, और दो, ये देखिए इस तरीके से दो लूप निकाले, फिर से एक लूप निकाला। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे एक चेन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो चेन्स बन गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम हर चेन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए यार्न ओवर, डबल क्रोशिया बनाने के लिए क्या करना होता है, यार्न ओवर ऐसे करिए इस तरह से, और ये देखिए ये चेन जो नेक्स्ट चेन थी उसमें हम गए, अगेन देखिए एक, ये देखिए। तो ऐसे हमें 8 चेन्स में सिंगल क्रोशिया बनाना है, सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारी जो लास्ट चेन है इसमें से हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन यार्न ओवर इस तरह से कीजिए, और ये जो लास्ट चेन है इसमें जाएंगे। देखिए 3 लूप हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए दो को निकालिए, फिर दो हुए, फिर एक, ये देखिए। तो एक चेन हमारी ये लास्ट चेन में बन गई है। तो ऐसे ही हमें 5 चेन बनानी है। ये देखिए हमने 6 चेन्स हमने यहाँ पर बना ली हैं। अब हम निडल इसके जो चेन्स के बैक साइड में हैं, तो अब हमने यहाँ पर देखिए 8 चेन बनाई थी सिंगल डबल क्रोशे, तो सेम हम 8 चेन यहाँ पर बनाएंगे।
यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये जो लूप है लास्ट वाला यहाँ पे, इसमें से दो डबल क्रोशे बनाएंगे। तो वैसे ही फिर यहाँ पर देखिए, एक दो तीन, एक दो तीन, यहाँ पे ये थर्ड चेन में हम जाकर एक स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से, एक किया और फिर यहाँ पे सेकंड राउंड अगेन तीन चेन बनाएंगे। देखिए एक दो तीन, तीन चेन बना लिया हमने। फिर ये यहाँ पे देखिए, जो हमने पहले डबल एक चेन में दो डबल क्रोशिया बनाए थे, उनमें से अब हमें हर एक चेन में से दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो बस टोटल हमारे पास चार होंगे डबल क्रोशिया। तो देखिए तो हमने ये एट चेन बना लिए। देखिए चार चार ये आठ हो गई हमारी। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमने फर्स्ट राउंड में लास्ट चेन में सिक्स चेन्स बनाई थी डबल क्रोशे, अब उसमें हर चेन में से हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड राउंड में इस स्टेज पे यहाँ पे हमारे पास टोटल 12 स्टिचेस हो जाएंगे। तो देखिए यार्न ओवर। तो आगे सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमने आठ चेन्स बनाई थी, सेम आठ चेन हमें डबल क्रोशे यहाँ बनाने, एक डबल क्रोशे। तो देखिए यार्न ओवर और हर चेन में से हम एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे आठ बार। तो एक तो ये हो गई हमारी। ये देखिए आठ ही हमारे हो गए।
तो अब हम देखिए जो हमने फर्स्ट रो में यहाँ पे जो दो डबल क्रोशिया बनाए थे तो उनमें हमें चार डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 तो हमें इस थर्ड चेन में क्रोशे होके इस तरीके से डालकर चेन्स बनानी है। ये देखिए स्लिप स्टिच बनाना है, देखिए इस तरह से। तो ये हमारे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच तैयार हो गया है। तो अब देखिए ये हमारा सोल का पोर्शन हो गया है यहाँ पर देखिए। तो अब हमें यहाँ पे ये येलो कलर अटैच करना है, तो इस स्टेज पे हम इस कलर को कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा सोल बनकर तैयार हो गया है। तो अब हमें यहाँ पे येलो कलर अटैच करना है, तो इसके लिए जहाँ पे हमने यहाँ पे इसको स्लिप किया था सेम नीडल डालेंगे यहाँ पे या हुक और एक नॉट बना देंगे, देखिए स्लिप नॉट इस तरह से। ये देखिए वन चेन, तीन चेन बनाएंगे देखिए 1 2 3, तीन चेन बना ली हमने। तो ये देखिए हमने यहाँ पर तीन चेन बना ली है। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, इस पूरी जो चेन हमने सेकंड राउंड बनाया था तो सेकंड राउंड के हर चेन में से हमें बैक लूप से एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है। तो देखिए ये यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे ये वी शेप में दिखता है, तो वी शेप के हर बैक साइड वाले लूप में हमें डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है। तो देखिए यार्न ओवर, बैक लूप से गए और देखिए एक हर चेन से एक बनाना है डबल क्रोशे, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए हम पूरे लास्ट में आ गए। तो अब हम इसको इसमें फाइंड करें, देखिए 1 2 3 इस तीसरी चेन में हम इसमें इस तरीके से जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे देखिए इस तरीके से। अगेन चेन 3 1 2 3। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 9 डबल क्रोशे बनाने हैं, हर चेन में से जाकर हम 9 बार डबल बनाएंगे देखिए। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमको 10 टाइम्स डबल क्रोशे, ये देखिए ये है 1 2, तो इन में से हमें इनको डिक्रीज करना है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम इसको ये राउंड शेप दे रहे हैं, जो अंदर से ये जो शेप आता है वो शेपिंग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशे डिक्रीज करेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से किया, चेन में गए नेक्स्ट, ये देखिए एक इसको ऐसे ही करके छोड़ देंगे, इतना ही बनाएंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पर आप 2 लूप देख सकते हैं। फिर से यार्न ओवर कीजिए, सेकंड चेन में जाइए और फिर से इसको ये देखिए हमारे पास 4 हैं अभी, ये देखिए 3 हो गए, 2 हो गए और ये 1।
तो ऐसे ही हमें देखिए, हमने दो चेन्स को एक चेन बनाया, तो ऐसे हमें करते हुए 10 चेन्स को बनाना है। ये देखिए 10 ऐसे ही बनाने, तो देखिए यार्न ओवर अगेन, एक बार निकाला, दूसरी चेन में गए इस तरह से, देखिए फिर से निकाला, दो हो गए। तो ये देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दो देखिए, दो चेन का एक चेन बनी, फिर दो चेन का एक चेन बनी, तो ऐसे ही करते हुए जाएंगे। देखिए अगेन यार्न ओवर अनदर चेन, तो अब हम यहाँ पे 9 चेन्स डबल क्रोशिया बना देंगे। एक, दो, तो अब क्या करेंगे, एक दो तीन, ये थर्ड चेन में जाकर हम इसको बाइंड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए ये हमारी अभी ऐसे दिखना शुरू हो गई है। तो अगेन 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो एक दो तीन चेन बनाइए, नेक्स्ट राउंड के लिए यार्न ओवर कीजिए, और हर चेन में से हम 9 चेन डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम हर 9 चेन में से जाएंगे। देखिए एक दो, देखिए तो अब हमें ये जो हमारे पास सेंटर में जो हमने डिक्रीज की थी 20 चेन्स को 10 चेन्स बनाया था, तो अब हम इन 10 चेन्स को 5 चेन्स में चेंज करना है। तो देखिए, तो बेसिकली क्या करेंगे, दो चेन को एक करना है, तो जैसे हम बोलते हैं 2 डबल क्रोशिया डिक्रीजिंग, तो देखिए यार्न ओवर, ये देखिए एक निकाला, दो, अगेन यार्न ओवर सेकेंड चेन में जाएंगे। ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 4 हैं, तो देखिए 2 को 3 हो गए, फिर से 2 को निकाला, 2 हो गए, अब इन 2 को निकालेंगे, 1 हो गया। तो ये हमारे पास अभी ये जो 2 चेन्स हैं, इन दोनों चेन्स का 1 बन गया है। तो अगेन यार्न ओवर नेक्स्ट चेन, ये देखिए 1, अगेन यार्न ओवर नेक्स्ट चेन 2, तो ये देखिए 4 लूप हैं, 3 हो गए, 2 हो गए, और लास्ट में 1 हो गया। तो ये अभी तक हमने 4 फंदे डिक्रीज कर लिए हैं, और हमें यहाँ पर 2 चेन्स मिली हैं। अगेन देखिए यार्न ओवर, ये देखिए 4 का 3 2 1, फिर से यार्न ओवर, देखिए अगेन यार्न ओवर 3 2, ये देखें, तो हमें 2 4 6 8 फंदे हमने डिक्रीज कर लिए हैं, और हमारे पास चेन है 4, अगेन नेक्स्ट चेन, देखिए यार्न ओवर अनदर नेक्स्ट 2, ये देखिए। तो अब हमें क्या करना है, फिर से ये 9 चेन एज इट इज़ बनानी है डबल क्रोशे में। देखिए यार्न ओवर, ये देखिए 1, अगेन यार्न ओवर 2, तो ये देखिए हमने 9 बना ली है, और 1 2 3, तो यहाँ पे ये 3 जो चेन दिख रही हैं इसमें जाके हम इसको स्लिप स्टिच, ये देखिए
तो ये जो येलो थ्रेड है अब इसको हम यहीं पे इसको कट कर दे रहे हैं। और इसको यहाँ पे टाइट कर दीजिए। तो अब हमें क्या करना है कि ब्लू कलर से हम इसको इस हर चेन में से जितनी भी यहाँ पर चेन्स हैं हर चेन में से जाकर एक सिंगल क्रोशे करना है। एक स्लिप बनाएंगे तो देखें एक चेन अगेन। देखिए हर चेन में से जाके हमें बनाना है और ये जो थ्रेड दिख रहे हैं इनको इसी में हम बाइंड करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये होगी हमारी एक सिंगल चेन। फिर से जाएंगे दूसरी चेन में से और इन दोनों को ऊपर ही रखेंगे। ये देखिए दो, ये देखिए। तो इस तरीके से हम सभी चेन में से जाकर एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये लास्ट में है तो ये जो है इसमें से इसको वहाँ पे स्लिप स्टिच बना दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये बूटी इस तरह से दिख रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। ये जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं ये वाले तो इसकी फिनिशिंग कर ले रहे हैं। ये जो निकल रहे हैं इनको सबको बाइंड कर देते हैं। तो मैं बाइंड करने के लिए यहाँ पर नीडल यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमारी दोनों बूटी बनकर तैयार हैं। देखिए इस तरीके से दिख रही हैं। तो आप विंटर्स में इनको ईजिली पहना सकते हैं। सबसे पहले आप सॉक्स पहना दीजिए, सॉक्स के ऊपर आप इसको पहना दीजिए तो बहुत ही अच्छे लगेंगे ये। तो आप कलर किसी पे भी कलर में बनाइए और ये बनाना बहुत ही सरल है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो आप इन बूटीज़ को बनाइए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये बूटीज़ कैसी लगी। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए तो जिससे आपको आने वाले समय में नए नए नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते सकें। थैंक यू।